हेलो फ्रेंड्स, मेरे किचन में आपका स्वागत है। मैं सोफिया, आज हम बनाएंगे दलिया। ये मैं आपको पेशेंट के लिए बहुत ही हल्का नमक मिर्च का बनाना बता रही हूँ, जैसे कि टाइफाइड है, मीजल्स है, चिकन पॉक्स है। तो जब थोड़ा ठीक हो जाते हैं और डॉक्टर उसे बोलते हैं कि आप दलिया खिला सकते हैं, तो ये मैं उसके लिए आपको बनाना बता रही हूँ। तो इसके लिए मैंने एक कटोरी दलिया लिया है, ये वाला साइज था कटोरी का, जिसे मैंने करीब 1.5 से 2 घंटे से पहले भिगो रखा है। इसमें हम मसूर की दाल साथ में मिलाएंगे, ये भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो ये मैंने आधी कटोरी ली है, इसको अभी हम वॉश करके इसी के अंदर मिला देंगे। बहुत ही थोड़े से मसाले के साथ बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा पेशेंट को पसंद आता है। इसके लिए मैंने हल्दी ली है, ये मैंने छोटी चम्मच ही ली है, आधी चम्मच। नमक छोटा चम्मच है, लेवल में है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं। काली मिर्ची पाउडर है, ये आधा चम्मच है। चाट मसाला, ये आधा चम्मच है। एक इसमें हम लाल साबुत मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। तो हम दाल को भी भिगो लेते हैं, अच्छे से वॉश कर लेते हैं और इसको दोनों को कुकर के अंदर डाल लेते हैं। दलिया को और दाल को हमने एक साथ मिक्स कर लिया है और इसमें मैंने ये वाला ग्लास का साइज है जो नॉर्मली होता है, इसको मैंने 1.25 गिलास पानी लिया है इसके अंदर। तो इसमें हम हल्दी, मिर्च और नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसे हम एक सीटी आने के बाद फुल गैस पर, और इसको फिर हम सिम गैस करके करीब 12 मिनट इसे हम सिम गैस पर बनाएंगे। सीटी आ गई है कुकर में, तो हमने गैस सिम कर दिया है, इसे हम 12 मिनट सिम गैस पर बनाएंगे। 12 मिनट के बाद हम कुकर खोलेंगे और इसमें जो साबुत मिर्च हमने डाली थी लाल, उसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो मिर्च हमें क्योंकि नहीं रखनी है इसमें ज़्यादा, ये आप पेशेंट को ही नहीं, वैसे भी नॉर्मली तौर पे भी आप इसे बनाकर खाएंगे तो ये बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर हम इसमें काली मिर्ची ऐड कर देंगे और चाट मसाला, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी की जरूरत पड़ेगी हमें, तो हम इस पानी इसमें बॉइल करके डालेंगे। वैसे ये इतना सही है, बिल्कुल इतना ही हो पतला तो अच्छा है, ज़्यादा अगर आप पतला रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी इसमें जब आप डालें तो बॉइल करके डालें। मैंने इसमें 1.25 गिलास पानी लिया था, तो बिल्कुल सही है इसमें ये पानी। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे 2 मिनट और बना लेते हैं। जो हमने काली मिर्ची डाली है और चाट मसाला डाला है वो भी इसमें पक जाए, तो काली मिर्च का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। 2 मिनट बनाने के बाद, इसे पकाने के बाद, मैंने इसको सर्विंग बाउल में कर लिया है। क्योंकि आप इसको सर्विंग बाउल में करें क्योंकि तड़का इसमें बहुत ही थोड़ा सा लगाएंगे हम, जिसे इसमें बहुत ही अच्छा, मतलब ऊपर से थोड़ा सा अच्छा दिखेगा तो पेशेंट को और भी पसंद आएगा। यहाँ मैंने पैन में 1 चम्मच घी लिया है, ये देसी घी लिया है मैंने, और इसमें हम थोड़ी सी प्याज डाल देंगे जो मीडियम साइज़ है, उसका 1/4 मैंने टुकड़ा लिया है इसमें। आप चाहें तो छोटी प्याज ले सकते हैं उसमें, क्योंकि हमें थोड़ा सा इसे तड़का करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो इसे हम फ्राई कर लेते हैं पिंक होने तक। प्याज पिंक हो गई है, गैस को हम ऑफ कर देंगे और इसमें हम थोड़ा सा पुदीना डालेंगे। आप चाहें तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन पुदीने से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और ज़्यादा टेस्टी लगता है। बस इसे मिक्स करके हम बाउल में डाल देते हैं इसको। ये दलिया बनकर एकदम रेडी है, हमने तड़का डाल दिया है दलिया में। ये मैंने गेहूं का दलिया लिया था, तो आप इसे, उम्मीद करती हूँ इसे पेशेंट इंजॉय करेंगे, इसे आप भी खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगता है। मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएँ जिससे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, इजाज़त दीजिए, गुड बाय, हैव अ गुड डे।